नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ वालों के इंग्लिश मीडियम एक और वीडियो आपका लेकर के आ गया हूँ। चैप्टर सेकंड हमारा आज से शुरू हो रहा है। चैप्टर सेकंड का नाम है हमारा सॉल्यूशंस, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। दोस्तों पूरा अच्छे से हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम इंपॉर्टेंट 2019 के लिए दोस्तों, संभावित प्रश्न 2019 के लिए। अगर आप इससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ की जबरदस्त तैयारी होती है 2019 के लिए दोस्तों। अब हम चलते हैं नीचे और बताते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सॉल्यूशंस के। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को जो इंग्लिश मीडियम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों, एक नंबर के जो आते हैं, एक मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले आप इधर देख लो जरा कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देख लो 2017, 16, 14, 13, 10, 1, इतनी बार क्वेश्चन ने पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मॉलिटी इन मोल अपॉन एल ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज, ठीक है, मोलैरिटी मांगा है आपसे यहाँ पे वाटर की, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज। तो आपको यहाँ पे सवाल लगा के ज्ञात करना होगा। देखो सॉल्यूशन नीचे दिया भी गया है, तो उसका जो मोलैरिटी निकलेगी वो निकलेगी हमारी 55.56 मोलैरिटी का आंसर होगा। कौन से फार्मूला से निकाली गई, ये देखो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलिटी ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में फिर उसके बाद आपको क्या रख दिया गया, दूसरा फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एम इनटू एल, ठीक है, एम एल, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका निकल आ गया। तो वेट ऑफ वाटर कितना था, एक था, ठीक है, डेंसिटी कितनी थी, 1000 थी, बराबर कितना हो गया, एक को गुणे से 1000 करोगे तो 1000 ग्राम में तो आएगा। मॉलिकुलर वेट कितना था, मॉलिकुलर वेट H2O से गुणा कर देंगे तो 2 × 1 = 2 × 1 + 16, ठीक है, बराबर 18 आ जाएगा। 18 को ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो 55.56 मोल बटे लीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये देखिए क्वेश्चन, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट एज सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है, फॉर्मूला आपका कौन सा यूज हुआ है, मोलैरिटी एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू वी वैल्यू सॉल्यूशन इन एल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने, मोल फंक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 19 ग्राम ऑफ वाटर इज, इसमें भी वही आपको काम करना है, मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, ठीक है, वही फार्मूला है आपका। इसका आंसर जो आएगा हमारा, आंसर आएगा दोस्तों हमारा 0.00119, ठीक है, ये हमारा सी वाला आंसर सही रहा, 0.0019, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आपके सामने लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट वोपुर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू इज 80 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे क्या बताना, मिक्सिंग करना, ऑक्टेन का सॉल्यूशन ज्ञात करना है और वह प्योर ज्ञात करना है और पी इंटू पी एंड क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो आपको निकाल के दिखाया गया है तो इसका जो आंसर आएगा एकदम करेक्ट वाला वो आएगा हमारा 72 mm आंसर आएगा। 72 यानी कि डी वाला आंसर इसका सही रहेगा, डी वाला 72 mm इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूछा है आपसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात, कौन सा सही रहेगा, सी वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो हमारा जो होगा सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन एज इट इज ए फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक है, एट राइट एंगल एंड एनी लाइन ऑफ 1 cm लेंथ ड्रॉन ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ तक की तो आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पे लिख देना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखिए आपके सामने दिया गया है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इन मैक्सिमम इन विच वन, तो वो होगा हमारा एकदम सीरियली से बताया तो आपको सी वाला आंसर है 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड 3 आयन होते हैं, 3+2 हमारा 5 आयन हो गया, 0.1 मोल बनेगा हमारा। तो BaCl2 डबल एरो लगा करके, डबल बॉन्ड लगा करके Ba2+2+2Cl-, एक में माइनस रहेगा एक में प्लस रहेगा MgSO4 में। ठीक है, एरो दोनों तरफ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से क्रिया हो रही है, Mg2+ का होगा और SO4 2- का होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा सी वाला 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे आपको मैंने अभी बता चुका हूं। ठीक है, सेम वही है, हुज वेपर प्रेशर विल बी मिनिमम और अमोंग द फॉलोइंग हुज वेपर प्रेशर विल बी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेम वही तरह है, सेम वही तरह आपको निकालना, बस वहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएंगे तो आपका इसका में सही आंसर आएगा 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये वाला आंसर इसका एकदम क्लियर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी फिर सवाल लगाने के लिए आ गया, यहाँ से शायद उसका क्या है, अरे वो फॉर्मूला, यस, डी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट KB कैन बी कैलकुलेटेड बाई विच फॉर्मूला। हाँ, मैंने कहा था ना यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, फार्मूला और करके एक और क्वेश्चन है, बाय विच फार्मूला वी कैन कैलकुलेट दी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB। तो इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसका फार्मूला होता है ए वाला सही रहेगा m(Δt(B)(W)/1000×W। ए वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 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 यहाँ तक क्यों हो गया था। नेक्स्ट हमारे देखिए आपके सामने, नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन, 5% सॉल्यूशन इन सुगर फ्रॉम सरफेस कैन ऑटोमिक मास 342 इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, दस एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड एक्स इज, इसका करेक्ट आंसर होगा 68.4। ठीक है, N1/V1 बराबर N2/V2 आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा दोस्तों। आपको फॉर्मूला इसी से निकाल के लगाना है, ये देखो निकाल के लगाया भी क्या, तो हमें करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ये वाला होगा 68.4। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सी वाला 1 mol (NH4)³3 और PO4। ठीक है, सी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों, 1 mol(NH4)³3 PO4। ठीक है, ये आपका लगा के भी दिखाया गया है, आप सामने देख भी सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ वेक्टर फॉर एक्यूरस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज, तो वो होगा कौन सा होगा, कौन सा होगा, डी वाला होगा, 3। ओके, बिकॉज Na2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोल, इट इज डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड गिव टू Na+ एंड 1SO4 टू माइनस आयन्स, i.e. टोटल 3 मोल ऑफ आयन्स पर मोल ऑफ Na2SO4। ये देखिए इसका इसलिए करेक्ट आंसर होगा 3 मोल आंसर। तो बस इस चैप्टर के भी कंप्लीट हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों चैप्टर हमारा कौन सा था, चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर था, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। इसका जितना भी मैंने बताया है अभी तक इस वीडियो में, तो उसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ओम ट्रिक्स एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल। Take care, bye-bye.